खुलासा करिए तो लोगों को जनता को पता लगे भी की है की नहीं है। अजय कि मैं भी कौंसलर है, मेरी वाइफ भी कौंसलर है, साडे कोल कोई मते की कापी नहीं जो मीटिंग हुई है भी इहदा कोई मता नहीं पाया गया। सानू ये तुसीं वो तो करो भी की है कदों मता पाया है, किवें है टेंडर, कदों लगे हैं किवें, पर पहली गल तो असीं दे नहीं सकते। ये सानू वही तो मैं आरटीए मंगी है, किसनू तुसीं लीज़ दे दित्ती है, किन्ने सालां वास्ते दित्ती है, आपां की कहिंदे किन्ने पैसों दित्ती है, किस वास्ते दित्ती है। मैनूं ये पता लग गया भी नर्सरी वास्ते दित्ती है। आपां नर्सरी आपां कितें खोलनी भी सी, इन्नी कीमती जगह हैगी, अपने कोल इन्ने पार्क पए नर्सरी उत्थे खोल। मैं तो ईओ मेरा भी कहना, मैं भी पार्षद है, मेरी वाइफ भी पार्षद है, फिर सीनियर वाइस चेयरमैन है पेप्सो डिवेलपमेंट बोर्ड का, मैं सारे काम ये थोड़ी भी विधायक साहब तो पूछ के करूँगा। जी शहर की जनता हैगी है, उन्हें सू चुन के भेजा, उन्होंने सू चुन के इस करके नहीं भेजा असी उत्थे जाके चाह पी लीए पकौड़े खा लीए तो ये चीज़ा करके वापस आ जाइए। तो जगह जिन्होंने नहीं, साढ़े शहर के हर बंद आशंका है भी 50 करोड़ तो उपर की थान हैगी है, अज वो नेचर चेंज करती कुछ साल बाद नेचर होर तरीके चेंज करके एक किसी प्राइवेट बंदे दिती जा सकती है। दुनिया भर की ताजा अपडेट्स के लिए News89 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। धन्यवाद। ये जो जगह आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये है राजपुरा के ITI रोड के साथ लगती जगह की, जो कुछ समय पहले खाली थी मगर अब यहाँ बन चुका है सेल्फ पार्क। जी हाँ, आपको बता दें कि यह जगह कई वर्षों से पेप्सू बोर्ड द्वारा नगर कौंसिल को ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए दी गई थी, मगर कुछ समय पहले से ही इस जगह को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म था। कुछ लोगों का कहना था कि इस करोड़ों की जगह पर भू माफिया की नजर है, और कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर आलीशान होटल बनाने की तैयारी हो रही है, और कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि सत्ताधारी कुछ नेता अपने लोगों को यह जगह लीज पर देने के बाद इस जगह पर कब्जा करने की तैयारी में हैं। यहाँ कुछ समय पहले भाजपा जिला प्रधान श्री नरेंद्र नागपाल द्वारा भी यहाँ खड़े होकर कई आरोप लगाते हुए नगर कौंसिल से RTI भी मांगी गई थी, मगर शहर के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा इस जगह पर साफ सफाई करवा यहाँ कुछ समय पहले सेल्फी पार्क बनाकर इन चर्चाओं पर फिलहाल विराम लगा दिया गया था, मगर अब दोबारा इस जगह को लेकर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता व पेप्सू टाउनशिप बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा द्वारा आज यहाँ के जेंट्स भवन में एक प्रेस वार्ता में यह आशंका जताई गई कि इस जगह पर कुछ लोगों की नजर है। इसी को लेकर उनके द्वारा नगर कौंसिल के ईओ से RTI के तहत जानकारी भी मांगी गई थी, जो आज तक उन्हें नहीं मिल पाई। जबकि नगर कौंसिल के ईओ सरदार रवनीत सिंह ने हमें फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि RTI बिल्कुल तैयार है, जगदीश कुमार जग्गा जब चाहें अपनी RTI रिसीव कर सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं पहले जगदीश कुमार जग्गा ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। मानयोग मुख्यमंत्री साहब का, अमरिंदर सिंह जी का, महाराणी प्रनीत कौर जी का, जिहड़ा कि मैनू पेप्सू डिवेलपमेंट बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया, अज मैं तुहानू तां बुलाया है भी ये पेप्सू टाउनशिप डिवेलपमेंट बोर्ड के नाल मुद्दा संबंधित है। असी एक पेप्सू डिवेलपमेंट बोर्ड ने IT चौंक से असी दित्ती सी कमेटी नू ग्रीन बेल्ट वास्ते, तो उस दे विच की कहिंदे आ भी सानू पता लग रहा है भी ये जिहड़ी उत्थे एक सैल्फी पार्क बनाया जा रहा है तो उत्थे इन्हां ने ठेके ते देता या लीज़ ते देता या किराए ते देता, तो उत्थे परंतु नगर कौंसिल वालों कुछ समा पहला ग्रीन बेल्ट वाली थां ते सैल्फी पार्क दे नां ते एक नर्सरी बनवा के ठेके ते दे दित्ती गई है। नगर कौंसिल वालों अचानक किए गए इस बदला ते कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि नर्सरी नू ठेके ते देण संबंधी नगर कौंसल विच किसी भी तरह का मता पेश नहीं किया गया, जिसनों लैके शहर की जनता चुने हुए नुमाइंदियां शक के घेरे विच लिया के कई तरह के सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया है। इस तरह नाल कांग्रेस पार्टी अते सरकार की बदनामी हो रही है, क्योंकि सरकार की पार्टी का काम जनता की भावनावां ते खरा उतरना हुंदा है, पर इत्थे जेड़े ए नगर कौंसिल दे कारनामे सरकार अते पार्टी नू शक दे दायरे घेरे विच रख रहे हन,
जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री जी विकास के कामों उत्ते करोड़ों रुपए ला के दिए गए वादे पूरे करन विच लगे हुए हैं, जबकि ग्रीन बैल्ट वाली जगह नूं किसी व्यक्ति नूं लीज या ठेके ते दे के कमाई का साधन नहीं बनाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी नाल जुड़े होने करके मेरे वल्लों सैल्फी पार्क संबंधी सारे कागजात अते प्रक्रिया की जानकारी देने लई आरटीआई राही जानकारी देने लई कहा गया सी, पर नगर कौंसिल राजपुरा के ईओ कार्यजन अफसर नवनीत सिंह जानकारी देने ते हमेशा बचण की कोशिश कर रहे हैं, जिसते उन्हां दी कार्यकारी अते कई तरह के शक पैदा होते हैं, क्योंकि सैल्फी पार्क वाली जगह की कीमत लगभग 50 करोड़ तो ज़्यादा बनती है। जनता नूं यह खासा है कि इस जगह नूं आउण वाले समय विच निजी स्वार्थ लई हत्याया जा सकता है, इसलिए ग्रीन बैल्ट वाली जगह का खुलासा किया जाए ताकि जो जनता का भरोसा सरकार अते चुने हुए नुमाइंदा उत्ते बनिया रहे। ये मेरी तुहानू दसता, बाकी तुसी पूछ सकदे हो। तुसी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे भी हो, कांग्रेस पार्टी शामिल भी हो, थोड़ी पार्टी का ही प्रधान नगर कौंसल के काबज है, फिर थोनू क्यों आरटीआई मांग के ये साबित करना पै रहा है या की वजह की है? मैं अज तुहानू बुलाण का कारण यही है जी, मैं पहले तो ईओ नाल मेरी दो बारी फोन पर गल हुई है, मैं कदे कहंदा जी कोई नहीं अज दे दिंदा कल दे दिंदा, तो मेरी एम ई नाल भी गल हुई है सेतिया साहब नाल, वह भी यही कि भी अज देना, फिर मैं आरटीआई पाई 2 तरीक नूं, ये असी आरटीआई पाई हुई है। हाँ भाई नेम ये आरटीआई पाई मैं 2 तरीक नूं, 2 फरवरी नूं, जिहड़ी कि अज 26 तरीक है, अज 26 तरीक होगी, कोई जवाब नहीं आया, ये नंबर भी लग गया उन्हां दा, पर वह कोई पता नहीं क्यों बचण की कोशिश कर रहे हैं। मैं इहदे च भी दस्सिया भी बदनामी हो रही है सरकार दी इहदे विच ते पार्टी दी, तां करके तुहानूं मतलब क्यों की बदनामी हो रही है, कौन करा रहा है बदनामी? बदनामी ईओ करा रहे जी। ठीक है जी, ईओ जी देखो जी कह रहे हो खदसा है भी कोई जमीन दब सकता है कि तुम्हें किस से कोई शक है भी जगह बंदा दब सकता है? नहीं नहीं, खासा सानू मेनू नहीं जनता नु है। अच्छा जी, जनता नु खासा है, असि उन्होंने जवाब दईए, जेड़ा अज दी डेट च हरेक राज हल्का राजपुरे दे हरेक बंदे नु हर खास तौर ते शहर वासियां नु भी खासा है भी ये जगह दबी गई है। ठीक है, मैं चाहुंदा भी ये उहदे फोटो है, मैं चाहुंदा भी इहदा आपां खुलासा करिए, खुलासा करिए तो लोगों को जनता को पता लगे भी की है की नहीं है। अजय कि मैं भी कौंसलर है, मेरी वाइफ भी कौंसलर है, साढ़े कोई मते की कापी नहीं, जो मीटिंग हुई है भी इहदा कोई मता नहीं पाया गया, सानू ये तुसी वो तो करो भी की है कदों मता पाया है, किवें है टेंडर कदों लगे हैं किवें, पर पहली गल तो असं दे नहीं सकते, गुमराह कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार। नहीं अफसर मैं नहीं कह सकता भी कितने इशारे से कर रहे हैं कितने इशारे से नहीं कर रहे, पर यह तो तुम इो तो पुछो क्यों नहीं दे रहे, मैं अपनी मैं तो इो तो मंगी है, मैं कोई लीडर तो नहीं मंगी या मैं किसी को वो नहीं कहेगा, मैं तो इो तो मंग रहा, ईओ नाल भी मेरी 2 बारी गल हुई है, एम ई नाल भी गल हुई है, तो फिर उस तो बाद मैं आरटीआई भी पाई है, पर दे नहीं रहा जमीन दी, सानू उही तो मैं आरटीआई मंगी है, किसनों तुसी लीज दे दी है, किन्ने सालों वास्ते दी है, आपां की कहिंदे किन्ने पैसों दी दी है, किस वास्ते दी है, मैनू यह पता लग गया नर्सरी वास्ते दी है, आपां नर्सरी आपां कितें खोलनी भी सी, इन्नी कीमती जगह हैगी, अपने को इन्ने पार्क पे नर्सरी उत्थे खोल लो, जिन्हों भी देनी हाउस भी चक सकते सीगे, मुद्दा मीटिंग ही नहीं हुई जी, मैं तो तुहानूं दस रहा मीटिंग होएगी तां चकांगा, मीटिंग तो मेरे तो 22 तरीक तो बाद मीटिंग ही नहीं हुई कोई। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਪਸੂ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਪੈਪਸੂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਅਲੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਹੈਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਈਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਮੰਗੇ ਨੂੰ? 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ। ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੋ, ਜੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਈਓ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀਚੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ
शर्मा जी मैं भी एक चुने नुमाइंदा सरकार का नुमाइंदा है, मेरा भी हक बनता है, मैं हरेक गल मैं विधायक साहब न करा वो भी नहीं बनती बी मैं तो ईओ ने मेरा भी कहना मैं भी पार्षद है, मेरी वाइफ भी पार्षद है, फिर सीनियर वाइस चेयरमैन है पेप्सो डिवेलपमेंट बोर्ड का, मैं सारे काम ये थोड़ी भी विधायक साहब तो पूछ के करूँगा। एस डी एम साहब के घर को भी कोई जगह का रौला पे भी ग्रीन बेल्ट है, फिलहाल कोर्ट ने स्टे ला दी गई बारे भी कोई गल असी जो मीटिंग हुई है वह लिखता जी स्टे हो गई है, मानयोग अदालत ने स्टे करती, असी जदों तक स्टे नहीं उठते जो मानयोग अदालत का हुक्म लक्की तलवाड़ जी ने जो सबका प्रधान जी सके साढ़े म्यूनसीपल कौंसल के उन्होंने घर के सामने कोई थान असी पेप्सो बोर्ड ने प्लाट कट्टे तो उन्होंने क्या भी ग्रीन बेल्ट हैगी, उन्होंने कोर्ट में केस पाया मानयोग अदालत तो मानयोग अदालत ने उत्थे स्टे करती। गांधी सबसे बड़ी बात है पूरे शहर की नजर इस थोड़े एपिसोड पर है, एम एल ए साहब में और जग्गा जी में आपस में सबकी नज़र है, सब एक दूसरे को टेलीफोन पर कह के आपस में कह के ये बात देख रहे हैं, सिर्फ सेंट्रलाइज नज़र है इस बात की क्या मनमुटाव हो गया है, इन्होंने बनने नहीं दे रहे, वो भड़ास निकाल रहे हो क्या कर नहीं नहीं कोई हमारे में मनमुटाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक पहला मैसेज भी सर एक वायरल जहा हो रहा है भी वो बार बार सोशल मीडिया देखा जा रहा है भी जग्गा जी का इस्तीफा लिया जा रहा है, वो की सर उस की सी ओ जी फेक न्यूज़ सी। तो दूजी गल ये है मैं 6 मार्च न मैं चार्ज लै रहा जी, वैसे तो चलो चार्ज है उत्थे बैठ रहे 6 मार्च न तुहानू फेक न्यूज़ है, ये छोटे मोटे गल्लां मैं पैना नहीं चाहता, छोटिया गल्लां ने जिहड़ी जिन्हें भी शरारत की है, मैं परमात्मा नूं अरदास करदा भी जिन्हें भी पाया है मैसेज उन्हूं सदबुद्धि देवे ते वो होर तरक्की करे। आपको यहाँ बताने योग्य बात यह भी है कि इसी सेल्फी पार्क वाली जगह को लेकर पार्षद पवन मुखेजा द्वारा भी एक आरटीआई नगर कौंसिल से मांगी गई थी, उसका क्या बना आइए सुनते हैं पार्षद पवन मुखेजा की जुबानी। संदीप जी ये जरा मुद्दा जरा गरमाया है कितने कितने अग आ ताइए धूं उठता, इसलिए सानू भी इस गल लैके कई तरह शंका साढ़े मन च भी हैगी सी भी ग्रीन बेल्ट वास्ते थान रखी हुई सी, ग्रीन बेल्ट वास्ते इन्हों लोग प्रवीण छावड़ा टाइम इतने टेंडर भी लग्या सी पार्क बनाया जाए पर किसी कारण पार्क नहीं बन सकया, फिर इन्होंने वो नेचर चेंज करके ये फ्लावर वैली बनाती, तो सानू ये लगता है फ्लावर वैली नहीं स्कैंडल वैली है, इसलिए असी जनता जो आशंकावान जो उठनिया सगिया उस लैके असी आर टी की इनफॉर्मेशन मंगी सी, इन्हें जानकारी दी है बिल्कुल अधूरी है, वो जानकारी दी है जिहड़ी लगता है कि असी जो दे के असी बच जावे, मैं उस पूछा सी भी ये तुसी कदों मता लैके आए सी इनू किराए दे ठेके देण दा, वो कोई जानकारी दी भी इसनू किराए दे ठेके दे किनू दित्ती गई है वह भी नहीं दसा गया, किराए ठेके किन्ने टाइम दी गई वह भी नहीं दसा गया, इसलिए इस गल लैके कई तरह की जो आशंकावान उठ रही ने उसका जवाब नगर कौंसल देना चाहिए सी पर क्लीयर कट सही तरीके दे नहीं पा रही। मैं सर जदों मैं लगे इन्होंने मैंने जी जानकारी अधूरी दी है उस तो पहले ही हाले मेरे को जानकारी आई नहीं सी, मैं वो अपील पाती सी तो इन्होंने मुख रखते फटाफट मैं जानकारी देती पर वो अधूरी है, जड़ी असल में जानकारी मंगना चाहता सी उन्हें हल तक दी नहीं, मतलब कितने कितने को छुपाने की कोशिश की जा रही है, कितने कितने पूरा सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। संदीप जी मैं तो हैरान हाँ जे मान लो प्रवीण छावड़ा जो प्रधान सी उहदे टाइम टेंडर लग्या सीगा 16,10,000 रुपए का भी इहदे पार्क का निर्माण होना है, जे वो किसी कारण नहीं हो सकिया तो इन्हां दा फर्ज बनता सी दसना हाउस नूं भी कुछ टाइम पहले इत्थे पार्क का निर्माण वास्ते टेंडर लाया सीगा उसे नहीं चढ़िया, जे वो इन्हें नेचर चेंज करनी सी वह भी इन्होंने होस में दसना चाहिए सीगा, वह भी होस उन्होंने गुमराह किया वह भी नहीं दसिया भी इतना पार्क का टेंडर लग्या सीगा। ते हुण अज जगदीश कुमार जग्गा जी वल्लों जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तुसीं उस तो किन्ने सहमत हो? संदीप जी जिहड़ी शहर की जनता हैगी है उन्हें सानू चुन के भेजा, उन्होंने सानू चुन के इस करके नहीं भेजा असी उत्थे जाके चाह पी लीए पकौड़े खा लीए तो ये चीज़ा करके वापस आ जाइए, साड़ी जनता के प्रति जवाबदेही है, जग्गा जी ने अज जो भी गल उठाई है बिल्कुल वाजिब है, क्यों जो जनता साढ़े को पुछती है भी उत्तर की हो रहा साढ़े को जवाब नहीं होता, जग्गा जी ने जो भी गल चकी है वह जवाब नगर कौंसल देना चाहिए है, क्यों जग्गा जी ने नहीं साढ़े शहर के हर बंद आशंका है भी 50 करोड़ तो उपर की थान हैगी है, अज वो नेचर चेंज करती कुछ साल बाद नेचर होर तरीके चेंज करके एक किसी प्राइवेट बंदे दिती जा सकती है, ये एक तरीका ये एक तरह की कॉन्सपिरेसी है इन्होंने लोगों की कुछ लोगों की
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਡਰ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੇ ਈਓ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇ ਫੋਨ ਪਰ ਕਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 89 ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੱਗਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪਸੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ITI ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫੀ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ RTI ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ITI ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ITI ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ RTI ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ RTI ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ ਉਹੀ ਨੇਚਰ ਦੀ RTI ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੁਖੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦ RTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। RTI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਪੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਪਾਈ ਹੈ ਟੈਂਡਰ, ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ITI ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੈਪਸੂ ਬੋਰਡ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪੈਪਸੂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੇਚਰ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡਸ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਆਪ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ RTI ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ? ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ NIT ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ। ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਗਾ ਜੀ ਨੇ RTI ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਫ਼ਤਰ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਮੁਖੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼ 89 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੈਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਗਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ITI ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ
लेकिन जिहड़ा जिस मुद्दे करके असीं अज आए हैं मैं तुहानूं दस दवां जगदीश कुमार जग्गा जी जिहड़े कि विपक्ष के नहीं कांग्रेस के ही पेप्सू डेवलपमेंट बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन है अज उन्हां वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई इत्थे दे जेंट्स क्लब ते उत्थे इल्जाम लाया गया कि उन्हां वल्लों एक RTI जिहड़ी मंगी गई सी इस सैल्फी पार्क नूं लैके भी ये जगह किसनूं दित्ती गई है क्यों दित्ती गई है ये जगह जिहड़ी है नगर कौंसल या पेप्सू डेवलपमेंट बोर्ड दे सकदा है या नहीं दे सकदा उन्हां दा कहना इह सी कि उन्हां नूं भी ये शक है कि ये जिहड़ी जगह हैगी इस ते भू माफिया की नज़र है ते ये जगह हड़पण की कोशिश की जा रही है तो उन्होंने वालों इल्जाम लाया गया कि उन्होंने हजे तक RTI क्यों नहीं दी जा रही इन्ना टाइम हो चुके है जब असी इस संबंध के EO साहब ने गल की तो उन्होंने कहा भी हजे इस RTI के दिन जोड़े हैं टाइम जोड़ा है पे है तो वह जल्द जोड़ा है जगदीश कुमार जग्गा आने वाले दिनों के RTI का जवाब दे देंगे। लेकिन हुण सवाल यह पैदा होता है कि यह विपक्ष का मामला नहीं यह हुण कांग्रेस पार्टी दे ही उदा मामला जड़ा है देखने आ रहा है भी जगदीश कुमार जग्गा जी वालों इस जगह की जी है RTI मंगी जा रही है दूजे पासे साडे राजपुरा के जिहड़े MLA साहब है उन्होंने इस जगह साफ सुथरा करके तो उरे जी है सैल्फी पार्क बनाया हुण ये आने वाले दिन पता लगेगा कि यह सैल्फी पार्क का मुद्दा जिहड़ा है किहड़ा एक नवा मोड़ लेगा। तुसीं बने रहो तुहाडे अपने वैब न्यूज़ चैनल News 89 पंजाब दे नाल मैं हाँ संदीप चौधरी News 89। सत श्री अकाल जी मैं हाँ तुहाडा अपना बिनू ढिल्लों ते तुसीं देख रहे हो News 89। जे तुसीं इस चैनल नूं माणदे हो तां इस चैनल नूं सबसक्राइब भी करो। सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो News 89। सत श्री अकाल जी मैं हाँ सरगुण मेहता ते तुसीं देख रहे हो News 89 चैनल। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें News 89 और प्रेस करें बेल आइकन।